आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मैनपुरी जिले के थाना दर नाहर अंतर्गत आने वाले जिंडाहार के पास बम्बे के किनारे पर ग्रेनेड बम मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने बम स्क्वाड टीम को घटनास्थल पर भेजकर बम को अपने कब्जे में लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि यह बम बहुत पुराना था, जिसको स्क्वाड टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला मैनपुरी पहुंच रहा था, जिसको लेकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद बम को डिस्चार्ज करा कर प्रशासन ने राहत की सांस ली। विभिन्न चैनल्स में मैनपुरी में ग्रेनेड मिलने की और उसके मिलने के कारण माननीय मुलायम सिंह जी के रूट में परिवर्तन की बात बताई जा रही है, जो सरासर भ्रामक है, गलत है। ग्रेनेड मिला है, पुराना है, जंग लगा हुआ है और एक नहर के बीचे बीच में गड़ा हुआ था। नहर में पानी कम होने से बच्चे वहां नहा रहे थे, बच्चे उस ग्रेनेड को बाहर खींच लाए, इस पर जंग लगा हुआ है। प्रथम दृष्टया डिफ्यूज प्रतीत होता है, पुराना प्रतीत होता है और ये ग्रेनेड जहां मिला है वो माननीय मुलायम सिंह जी के रास्ते से बिल्कुल अपोजिट की तरफ है, उल्टी दिशा में है। उस ग्रेनेड के मिलने से जो डिफ्यूज है, पुराना है, नेताजी के नामांकन के आने में, उनके रूट में, मार्ग में कहीं कोई व्यवधान, कोई परिवर्तन नहीं है, ना कोई सुरक्षा की तरफ कोई खतरा है।